दोस्तों आज की इस नई एंड फेस वीडियो में हम जानेंगे 2021 में जो यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा होने वाली उनकी डेट की जो अनाउंसमेंट हुई है, इसके बारे में यानी यूनिवर्सिटी एग्जाम डेट 2021 ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हुई यूनिवर्सिटी की ओर से जो कि ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है यूनिवर्सिटी के माध्यम से कि आप सभी की जो परीक्षाएं बी ए बी एस सी की वो इस डेट से कराई जा रही है ऑफिशियल नोटिस प्रूफ के साथ आपको इस वीडियो में दिखाने वाले संपूर्ण जानकारी ए टू जेड मिलने वाली है तो आप सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के साथ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा जिससे आप लोगों को सही और पूरी जानकारी मिल सके चलिए बिना देरी के वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैं संदीप स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो अपडेट आई उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किस चैनल के माध्यम से भारत के सभी यूनिवर्सिटी से जो परीक्षा या परीक्षा से संबंधित कोई भी अपडेट आती है वो अब तक प्रोवाइड की जाती है और साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा तो वहां से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे तो वहां पर छोटी मोटी आपको अपडेट प्रोवाइड करते ही रहते हैं हम ठीक है तो उससे ज्वाइन हो जाइएगा चलिए अब बात करते हैं आज की जो अपडेट अपडेट आई है है उसके बारे में क्या कुछ नई देख लेते हैं सभी छात्र वीडियो को पूरा देखेंगे पहली बार ठीक है चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी के छात्र हो ठीक है ये जो अपडेट आई है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ यूनिवर्सिटी को सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ परीक्षा की डेट का ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है सभी छात्र देखेंगे चाहे भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी को कोई जरूरी नहीं है कि चौधरी चरण के यूनिवर्सिटी के छात्र ही देखें ठीक है यहाँ पर क्या लिखा है पहले देख लेते हैं ए, लिखा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ और विषय क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है कि सत्र 2020 21 की मुख्य परीक्षा 2021 संस्थागत एवं व्यक्तिगत भूतपूर्व परि छात्र परीक्षा एकल विषय श्रेणी उन्नयन परीक्षाएं व बैक पेपर परीक्षा 2020 हज़ार बीस की परीक्षाओं वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित के परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में यहाँ पर 2021 में जो मुख्य परीक्षा है रेगुलर और प्राइवेट छात्रों की उनके बारे में अनाउंसमेंट हुआ पहले देखते हैं डिटेल में क्या कुछ लिखा सभी छात्र ध्यान से समझेंगे लिखा है कि आपको अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा दो संस्थागत एवं व्यक्तिगत भूतपूर्व छात्र परीक्षा एकल विशेष श्रेणी उन्नयन परीक्षाओं और बैक पेपर परीक्षा दो की सॉरी दो की परीक्षाएं वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित दिनांक 10 चार 2021 से प्रारंभ कराई जानी प्रस्तावित हैं देख लीजिए लिखा 10 अप्रैल से प्रारंभ कराई जानी प्रस्तावित हैं उक्त परीक्षा से संबंधित परीक्षा कार्यक्रम की प्रति विश्वविद्यालय वेबसाइट डब्ल्यू 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 सी सी यू यूनिवर्सिटी डॉट डॉट ए सी डॉट इन पर आपको इस अनुरोध के साथ उपलब्ध कराई जा रही है कि आप उक्त परीक्षा कार्यक्रम से अपने महाविद्यालय संस्थान के समस्त संबंधित परीक्षा परीक्षार्थियों को व्यापक स्तर पर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें उक्त परीक्षा कार्यक्रम में यदि कोई आवश्यक संशोधन हो तो परीक्षा विभाग को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें जिससे परीक्षा कार्यक्रम में कार्यक्रम में आवश्यक संशोधन पर संशोधित परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा सके यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो परीक्षाएँ वो दस अप्रैल से प्रारंभ करने की बात कही जा रही है और साथ साथ में अगर इस जो जो एग्ज़ाम डेट जो टाइम टेबल है इसमें अगर आपको कोई संशोधन कराना है तो आप यूनिवर्सिटी को सूचित कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट दिए हैं अगर आप इसे पढ़ना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्कशन टेलीग्राम चैनल पर ये मैं पी प्रोवाइड कर दूँगा तो वहाँ से आप डिटेल में समझ लीजिएगा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा है कि एनुअल स्कीम ऑफ रेगुलर एंड प्राइवेट एग्जामिनेशन 2021 तो बी ए बी वाले छात्र अपना जिस भी यूनिवर्सिटी सॉरी जिस भी कॉलेज के छात्र हैं ठीक है ठीके? वो अपना देख ही लेंगे और जिस कोर्स के हैं आप बी के हैं तो बी का अपना सब्जेक्ट अपना देख लीजिएगा और बी वाले देख लीजिएगा किस डेट को कौन सा पेपर है और किस समय से है ठीक है तो 10 अप्रैल से यहाँ पर जो परीक्षा की जो पहली डेट है वो 10 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है यानी कि सटरडे को पहला पेपर बीए का होगा ठीक है उसके बाद फिर बीएससी बीकॉम इसी तरह आप लोग डिटेल से अपने कोर्स के अपने सब्जेक्ट के क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल से पढ़ लीजिएगा और जो भी आपका सब्जेक्ट है जो भी क्लास है वो आप एक कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को बाद में उस डेट में आप लोगों को कॉलेज में परीक्षा जब होंगी तो वहाँ पर जाने में आसानी होगी ठीक है कि इस डेट में ये परीक्षा है और इस टाइम पर है ठीक है इसलिए यहाँ पर और लिखा बारह अप्रैल को बी एंड बी की मैथ है सब्जेक्ट ये जुलोजी है बी ठीक है और बी ए बी एमकॉम बी बीएससी एम कॉम बी एस सी इसी तरह आप देख लीजिए पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का पेपर सोलह अप्रैल दो हज़ार इक्कीस का इक्कीस में है बी वाले छात्र ध्यान दें लिखा कि होम साइंस का जो पेपर है बी वालों का वो 19 अप्रैल को है आ, उन और जो इंग्लिश के हैं छात्र उनका भी उन्नीस अप्रैल को है जो होम साइंस के हैं वो अपना पेपर उन्नीस अप्रैल को होम साइंस का देंगे जो इंग्लिश का इंग्लिश का देंगे ठीक है और बीए के इंग्लिश के भी यहाँ पर देख लीजिए केमिस्ट्री बीएससी वाले बीस अप्रैल को उनका पेपर है तो इसी तरह सारे जो डेट हैं और जो क्लास है यहाँ पर सारी मेंशन है तो इसको आप पढ़ने के लिए वीडियो के डिस्कशन मैंने बोल ही दिया कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा उस पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसे वेबसाइट पर भी डाल दूँ जिसका लिंक वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा दोस्तों ये रही सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो कि इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हुई है ठीक है इसी तरह आप सब्जेक्ट देख लीजिएगा अब बात कर लेते हैं भारत की अदर यूनिवर्सिटी के छात्र अगर वीडियो देख रहे हैं चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी को चाहे पूर्वांचल चाहे अवध कानपुर या फिर बरेली यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी किसी भी छात्र किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्रों दोस्तों मैं आपको बता दूं जल्द ही आपकी भी यूनिवर्सिटी से इसी तरह के एग्ज़ाम की जो स्कीम है टाइम टेबल है वो जारी होगी तो हम आप तक वीडियो के ज़रिए आपको प्रोवाइड कर देंगे फिलहाल दोस्तों अभी के लिए जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से अपडेट आया है जो टाइम टेबल आई ये मैं आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ अगर इसमें कोई चेंजेस होती है कोई बदलाव होता है या फिर एग्जाम डेट आगे बढ़ती है तो हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर देंगे लेकिन अभी के लिए यही अपडेट है इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी और अपनी प्रपरेशन जारी रखिए और अपने परीक्षा की पूरी तरह उसकी प्रपेरसन तैयारी करें ठीक है अगर इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है कोई सुझाव है अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद